हैं अपनी न्यूली लॉन्च रॉयल इनफील्ड 350 स्टैंडर्ड नेक्स्ट जनरेशन OBD2 T20 वाला वेरिएंट। सबसे पहले हेडलाइट से शुरू करते हैं। हेडलाइट पुराने मॉडल से थोड़ी बड़ी भी मिलेगी और इसका जो ग्लास है वो फ्लैट मिलेगा। चारों तरफ क्रोम की लाइनिंग मिलती है। हेडलाइट में आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब के साथ आते हैं और ये है अपना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 41mm का। साथ में इस पर आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है बाइबर के। फ्रंट टायर में आपको ट्यूब मिलती है, ट्यूबलेस नहीं मिलते क्योंकि स्पोक व्हील है। आफ्टर मार्केट या शोरूम से आप इस पे अलॉय व्हील लगवा सकते हो। मडगार्ड आपको वही ग्लोसी ब्लैक कलर में मिलेगा। साइड की प्रोफाइल से बात करते हैं, इसमें आपको नया लोगो मिलेगा 3D में, जो कि काफ़ी लोग दीवाने इस लोगो के। ये अपना जो है एयर फिल्टर का पैनल मिलता है, ये थोड़ा सा बड़ा मिलता है, लंबा मिलता है और इसके पीछे जो मेटेरियल का यूज़ कर रखा है वो है प्लास्टिक का, क्योंकि पहले ये मेटल का मिलता था। बुलेट 350 का जो लोगो है वो भी आपको 3D में मिलता है और ये कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। पीछे का जो पार्ट है ये पूरा प्लास्टिक का मिलता है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, पूरा प्लास्टिक है, पहले मेटल का ये सब आता था। अब बात करते हैं सीट की। सीट काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी चौड़ी भी है। पुराने वाले मॉडल से थोड़ी सी अलग जो है इसमें सीट देखने को मिलती है। अब लेफ्ट साइड के मैं पार्ट की डिटेल बताने वाला हूँ। ये पायलट लैंप मिलते हैं हैलोजन बल्ब के साथ। आफ्टर मार्केट इनमें आप LED लगवा सकते हैं। ये है अपना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 41mm के। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। अब चलते हैं अपने लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आपको क्या क्या मिलता है, ये हैंडमेड जो है गोल्डन लाइनिंग इस पे देखने को मिलती है टैंक पे और साइड के जो पैनल है। 3D में इसका नया लोगो मिलता है। बात करते हैं इंजन की, तो इसमें 394cc का एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। BS6 FI टेक्नोलॉजी के साथ आता है। मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20 PS और मैक्सिमम टॉर्क है 27 Nm। सेल्फ स्टार्ट में ही आपको इंजन देखने को मिलता है, किक इसमें नहीं मिलती। ये अपना साइड का बैटरी पैनल, इसमें आपको 3D मोनोग्राम मिलता है। पीछे से कुछ इस टाइप की दिखने को मिलती है। पिछला जो टायर अगले वाले टायर से 1 इंच छोटा मिलता है। ये टेल लाइट जो अपनी गोल्ड मिलती है। और इस वाले मॉडल में आपको बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि डिजिटल और एनालॉग के साथ आता है। और स्विचेज भी इसमें आपको नए वाले मॉडल के मिलते हैं, जो हंटर क्लासिक में मिलते हैं। और साइड के जो ORVM है वे आपके जो क्रोम में देखने को मिलते हैं। 13 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। और बात करें ये लाइनिंग की, तो ये हैंडमेड जो है ये लाइनिंग रहने वाली है, जो कि रॉयल एनफील्ड दावा करता है। देखो कितनी बारीकी से ये जो लाइनिंग है ये बना रखी है। पूरी मैं एक बार डिटेल आपको बताता हूँ इसकी। देखो लाइनिंग की, देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी लाइनिंग, देखो कितनी बारीकी से जो है ना पूरा एकदम, ऐसा नहीं भाई आडी टेढ़ी कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल भाई इधर उधर आडी टेढ़ी बनी हुई है, हाथों से बनी हुई है, लेकिन एकदम ज़बरदस्त जो है ना ये लाइनिंग बनी हुई है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। देखो और पेंट की क्वालिटी भी टॉप नॉच है, बिल्कुल स्पार्कल इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं।